मेरे पास कौन सा गाली है आप लोग देख सकते हो। सो हाय गाइस, कार्डोम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का वीडियो शुरू होने वाला है पूरा एकदम बेम्बो का बगान से, और आज शूट के साथ साथ आज हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय भी करने वाले। तो आप लोग वीडियो में बने रहो और देखते रहो कि किस तरीके से एंजॉय करते हो। और तो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो, ये है हमारा गाँव, हमारा प्यारा सा गाँव, और हमारा गाँव काफी ज्यादा खूबसूरत है। और अभी हम लोग जाने वाले है, मतलब खेत पे जाने वाले है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम गाँव से बिलोंग करते हैं। बस सच कहूं तो मैं आज तक कभी भी खेती पे गया नहीं, और कभी भी मतलब खेती पे आके कुछ काम किया नहीं, बट आज मैं एक एक्सपीरियंस लेना चाहूंगा और आप लोगों को भी दिखाना चाहूंगा, क्योंकि लाइफ में हर चीज का एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। चलो, थोड़ा बहुत किसी का हेल्प भी हो जाएगा और साथ पे हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलो, ये देखो हम लोग आगे आगे पप्पा लोग जा रहा है, और ये देखो खेती का सीजन स्टार्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं कुटिया, मतलब ये हो गया सीट, मतलब सीट से ये थोड़ा सा भरा हुआ है, और इसको निकालेंगे, और किस तरीके से निकालते हैं वहां पे दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे लोग वहां पे काम कर रहे हैं। तो चलो, अभी हम लोग आली पे जा रहे हैं। और उधर देखो, इतना गर्मी पे लोग काम कर रहे हैं यार, मतलब टाउन पे जो लोग रहते हैं वो लोग तो मजे से रहते हैं, बट गांव वाले बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और एंजॉय भी करते हैं लाइफ को। असली जिंदगी तो गांव पे है। एक बार इधर घूम के एक बार शक्ल दिखा दो। तो मेरा पास स्कार्फ स्कार्फ नहीं लाया ना, इसीलिए मैं पैकों को खोली, क्योंकि अंदर भी मैंने टॉप लगाया। सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग काम कर रहे हैं, और इसको हम लोग लैंग्वेज में कुठिया बोलते हैं, और कार्बी लैंग्वेज में चिल्ली बोलते हैं, और इसको उठाएगा और चिल्ली बोलते हैं, चिल्ली, और इसको उठाएंगे, और उसके बाद पाथ में जाके वहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरीके से लगा देंगे। जो भी हो ना यार, गांव का मजा ही कुछ हो रहा है, पता है। गांव में जो मजा है वो शहरों पे नहीं है, बड़े बड़े शहरों में नहीं है। टाउन का बच्चे लोग अभी शायद मोबाइल में खेल रहा होगा, बट ये लोग, ये बच्चे लोग देखो, ये वाला काम कर करके वो लोग खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, एंजॉय कर रहा है, यही है असली जिंदगी, पता है। तो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो सनसेट होने वाला है, और वेदर कितना ज्यादा खूबसूरत है, और वहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है देख सकते हो। और आपका भाई जोर्ज तेरन को ना ड्राइविंग का काफी ज्यादा शौक है, तो ट्रैक्टर चलाने का मन कर रहा है, एक बार जाके ट्राई करते हैं। गाइस, अभी आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे अभी खेती किया जा रहा है, ट्रैक्टर चलाया जा रहा है, और ट्रैक्टर को देख के मुझे भी बहुत चलाने का मन कर रहा है, और ये मेरा दोस्त है, तो उससे ट्रैक्टर उधार में लेते हैं और चला के आप लोगों को दिखाते हैं, और फील भी लेते हैं, बताए बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम वेरी एक्साइटेड। तो गाइस, अभी मेरे पास कौन सा गाड़ी है आप लोग देख सकते हो, इससे आप लोग मतलब खेती किया जाता है, और इसको अभी हम चलाने वाले हैं और आप लोगों को दिखाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये है हैंड ब्रेक, और ये तो ऑटोमेटिक एक्सीलेटर, एक्सीलेटर इसमें देना नहीं पड़ता। अभी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। हम गांव से बिलोंग करते हैं जनाब, हम भी सपना देखते हैं बड़े बड़े, इसीलिए तो YouTube पे वीडियोस बनाते हैं, आप लोग भी सपोर्ट कर दो यार। दबाते हैं ना तो गाड़ी ऑटोमेटिकली घूर जाता है, राइट।
राइट सर राइट तरफ में घूम जाता है, देखो इसको दबा दिया तो गाड़ी ऑटोमेटिकली घूम गया। देखो मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, तो चलिए एक साथ सीखते हैं। कुछ मुझे आता हो तो मैं आपको सिखाऊं, आपको कुछ आता हो तो आप कमेंट के जरिए हमें सिखाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मजा आ गया तो भाई शुक्रिया, ये भाई की गाड़ी है, रेडी होते हो ना? तो कसम से आज तो बहुत ही ज्यादा मजा आया, क्योंकि आज तो वैसे तो हम गांव से ही बिलोंग करते हैं, बट गांव का असली लाइफ यही है और इसमें जो मजा है और वो किसी दूसरे चीज पे नहीं है। आपको पता है क्या, जो फार्मर लोग होते हैं ना, उनका सपना बड़ा नहीं होता, वो लोग बस इतना चाहते हैं कि वो वक्त तक खाना मिल जाए उन्हें, बस उसी का तलाश करते हैं और जिंदगी को अच्छे तरीके से जीते हैं वो लोग, पता है। तो यही है गाँव हमारा, बहुत खूबसूरत सा। तो गाइस बस यही है, गाँव में रहने का मजा ही कुछ और है, और देख सकते हो एकदम कीचड़ पे जोर चरण घुस गया है। सुना का नजारा देखने आए हुए थे हम। वो कहते हैं ना, जिंदगी में अगर सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किस चीज का करोगे, कुछ अधूरे सपने ही जिंदगी जीने का मजा दिलाता है। तो वही है, टाउन में रहने वालों के पास तो सब कुछ होता है, पर हम लोग गांव में रहने वालों के पास सब कुछ नहीं होता है। हम लोग खुद से मैनेज करते हैं, काम करते हैं, एक वक्त का रोटी कमा के खाते हैं और खुश रहते हैं, बस इसके वजह से हम खुश है। टाउन के लोग देखो जितना सब कुछ है उनके पास, पर वो खुश नहीं है। तो आओ गांव पे घूमने के लिए, गांव काफी ज्यादा अच्छा होता है माइंड को रिलैक्स करने के लिए। तो गाइस कसम से गांव पे तो रहते हैं, बट खेत पे आने वाला नसीब हमारा नहीं था। गाइस तो अभी वक्त निकल के आ गए और यहाँ पे पैसे वैसे के लिए हम काम नहीं कर रहे, बस मैं ट्राई करना चाहूंगा कि इसका फील कैसा है, बताए एक बार फील लेना चाहूंगा। तो चलिए ट्राई करते एक बार, अरे मुझे बहुत पा रहे रे, बेसी पारी। देखो ये मेरे जिंदगी का फर्स्ट टाइम कोठिया। खुश रहने के लिए किसी वजह का जरूरत नहीं होता है, चाहे आपके पास कुछ भी हो आप खुश रह सकते हो। आप विश्वास ना हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, आपको खुशी मिलेगा। बताओ कैसे लगा खेत पे आके, बताओ। खेत पे आके हम लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा वीडियो देखे, क्योंकि ये सब हमारा जो गांव के लोग है बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और उन लोगों का मेहनत को हम लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो लोग और मेहनत करते। और वैसे आप लोगों को फूड को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खाने को केयर नहीं करते, फेंक देते, वेस्ट कर देते, वैसा बहुत गलत चीज है। आपको आज पता चला ना, एक जो धान होता है, जो चावल आप खा रहे हो, उसको उगाने के लिए कितना ज्यादा मेहनत किया जाता है। लोग भी करते हैं, तो फूड वेस्ट मत करो। और